तो वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे टाटा कर्व के बारे में। बेसिकली ना इसको भाई रिवील या फिर रिव्यू करते हुए ना मेरे को जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ यार, क्योंकि पहले जब इसका कॉन्सेप्ट आया था ना, तो कॉन्सेप्ट में इन्होंने भर भर के चीजें दे दी थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये चीज को भाई समझना चाहिए कंपनीज को कि कॉन्सेप्ट में भी भाई उतनी चीजें मत दो कि जिसको देख के भाई जब आप गाड़ी लॉन्च करो तो बंदे की सारी जो भी खुशी जो भी थी मतलब छीन लोगे, फिर मतलब खत्म हो जाती है वो देखते ही कि इस गाड़ी में तो मिल ही कुछ नहीं रहा। बेसिकली यार इस गाड़ी में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। एक गाड़ी में आपको चाहिए क्या होता है? सब कुछ तो चाहिए होता है। तो इस गाड़ी में भी आपको सब कुछ मिल रहा है, मतलब कि फीचर्स, एडास या फिर इसमें इंजन, पावर, जो भी डिजाइन, सब कुछ अच्छा है यार। इस सेगमेंट की ये पहली गाड़ी है जिसमें आपको कूपे स्टाइल मिल रहा है। तो इसके पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको तीन इंजन ऑप्शन आते हैं। पहला आता है 1.2 लीटर का GDI इंजन, दूसरा आता है 1.2 लीटर का आपको नॉर्मल इंजन जो कि आपका नॉर्मल है, तीसरा आता है आपका 1.5 लीटर का डीजल इंजन। जी हाँ, ये आपको ऑल वेरिएंट के साथ अवेलेबल है, डीजल में भी है, पेट्रोल में भी है और ईवी में भी है, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब इस गाड़ी में आपको मिलता है लेवल 2 का एडास जिसमें आपको कई सारे फीचर मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है विद स्टॉप एंड गो के साथ ऑप्शन के साथ मिलता है, और दूसरा आपको इसमें भाई लेन की असिस्ट मिलता है, तीसरा इसमें आपको लेन चेंज अलर्ट भी मिलता है और ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फंक्शन भी आपको इसमें दिए गए हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर भी इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। वैसे तो यार आजकल ना नॉर्मल फीचर हो गए हैं ये सारे के सारे, जितने भी हैं लेवल 2 एडास के या फिर कोई और फीचर हो गए, वो नॉर्मली आजकल सभी गाड़ियों में आपको मिल रहे हैं। मेन बात ये है कि ये गाड़ी किसके कंपटीशन में आ रही है। तो इसके कंपटीशन में आपकी पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि क्रेटा जैसी गाड़ियां, MG हेक्टर या फिर किया सेल्टोस जैसी गाड़ियां जो है इसकी कंपटीशन में आती हैं। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करो, फीचर वाइज ये कंपटीशन कर सकती है, पावर वाइज भी कर सकती है, लेकिन डिजाइन वाइज मैं अगर देखूं ना तो इसका डिजाइन तो बिल्कुल ऐसे कूपे स्टाइल है, वो तो भाई से प्रॉपर SUV टाइप आती है, तो फिर ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं है। फीचर में आप कंपैरिजन कर सकते हो जो कि बनता नहीं है, क्योंकि भाई सारे फीचर यार इसमें भी हैं उनमें भी हैं, तो इतना ज्यादा भाई ऐसा झोड़ नहीं है कि भाई इसमें कम है या उसमें कम है या इसमें ज्यादा है। दोनों गाड़ियों में या जितनी भी गाड़ियां आती हैं सेगमेंट में, सब में अच्छे अच्छे फीचर आपको दिए गए हैं। अब इसमें प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल न्यू यूज करा गया है, एटलस का आर्किटेक्चर इसमें आपको मिलता है, जिसमें कि आपको सेफ्टी के मामले में 6 एयरबैग, लेवल 2 का एडास जैसे कि आपको बताया, एडवांस ESP की इसमें आपको फीचर मिलते हैं जो कि इस गाड़ी को और सेफ बनाता है और पावरफुल भी बनाता है। कहने का मतलब है सेफ्टी के मामले में तो यार कोई कॉम्प्रोमाइज इनका रहता ही नहीं है टाटा वालों का, तो इनमें यार ऐसा डाउट करने वाला कोई बात है ही नहीं। थोड़े इसके एक्सटीरियर और इसके इंटीरियर के बारे में भी जान लेते हैं। क्या डिफरेंस तो कुछ नहीं है, मतलब भाई कई महीनों से यही चीज रटती आ रही है, लेकिन फिर भी हम रटेंगे, फिर भी हम आपको दोबारा से बताएंगे। रट लो भाई, आपके एग्जाम चल रहे हैं, क्या मिल रहा है गाड़ी में देखते हैं। बेसिकली फ्रंट में आपको वही आपको टाटा सफारी या हैरियर वाली लुक मिलेगी थोड़ी हल्की हल्की, मतलब आपको कनेक्टिंग इसमें LED लैंप मिलेगा, पीछे की तरफ कनेक्टिंग टेल लैम्प मिलेगा, वही चीजें। और इसके इंटीरियर में भी आपको सेम वही चीजें मिलेंगी जैसे कि आपको सफारी और हैरियर में भी आती हैं या नेक्सॉन में भी आती हैं। फोर स्पोक आपको इसमें स्टेयरिंग व्हील मिलेगा जो कि सफारी और हैरियर में आता है, और इल्यूमिनाटी वाला लोगो और वही मल्टी कलर मूड लाइटनिंग मिलेगी पेनारोमिक सनरूफ के साथ, वो भी आपका वॉइस असिस्ट के साथ खुलेगा। मतलब हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं है यार, मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया, करने का है तो करने का है, ठीक है ना। बाकी इसमें आपको 12.3 का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वो जो कि हार्मन का मिलता है। टाटा की सभी गाड़ियों में आपको हार्मन का सिस्टम ही मिलता है लगभग। और इसमें आपको 10.25 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें कि आप बहुत बढ़िया बढ़िया सा मैप भी आप इसमें चला सकते हो। ऐसी जरूरत नहीं है यार, हमारी तो एक ही चीज है, भैया जी ये रास्ता बताइए कहां जाता है ना, मतलब मैप वो कौन यूज करता है भाई भारत में? मैप तो मैं कह रहा हूं बहुत कम लोग यूज करते हैं, बस एक ही चलता है, चाचा ये रास्ता बताओ कहां जाता है, हमें वहां जाना है, बस यही चीज जो है भारत में चलती है जो कि नॉर्मल है। बाकी इसमें एक शो वाला फीचर भी आपको दिया गया है जो इसका टेल गेट है, पावर टेल गेट, आप भाई ऐसे टांग फैला के भी इसको खोल सकते हो और एक बटन के साथ आप इसको बंद भी कर सकते हो, तो करो यार शो ऑफ करो, टाटा की गाड़ी है, थोड़ा शो ऑफ बनता है। बाकी यार बहुत सारे फीचर है जैसे वेंटिलेटेड की आपकी फ्रंट की सीट्स हो गई, और भाई 6-way पावर्ड ड्राइविंग सीट्स होगी जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी इसमें आपको इंटीरियर में वायरलेस चार्जर मिल जाता है और बहुत अच्छा एक कंसोल मिल जाता है। इंटीरियर इसमें बहुत बढ़िया है, हर जगह लेदर यूज करा गया है भाई, बाकियों का पता नहीं, लेकिन मेरी हाइप तो बिल्कुल मर चुकी है इस गाड़ी के लिए। मतलब आए या ना आए कोई
फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों यार मेरे मन में ही ऐसा है या फिर आपको भी ऐसा लगता है, मेरे को बताना जरा। नहीं ऐसा नहीं है कि गाड़ी अच्छी नहीं है, गाड़ी बहुत बढ़िया है यार। गाड़ी में फीचर भी आपको अच्छे खासे मिलते हैं जो कि नॉर्मली आजकल गाड़ियों में मिल रहे हैं। ऐसे एडवांस लेवल की अगर कोई चीज बोलूं तो वो मेरे को गाड़ी में दिखी नहीं। एक डिजाइन को लेके कि कूपे स्टाइल है, इस सेगमेंट में पहली गाड़ी है इसको लेके, इसके अलावा और कोई मेरे को अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं जो इस गाड़ी में बिल्कुल एडवांस लेवल में चला गया हो। और बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, हमारी औकात से बाहर है। हाँ इस गाड़ी में आपको एक चीज आप बिल्कुल जरूर से कर सकते हो, अगर आप हरियाणा पंजाब में हो तो गाड़ी के एलोय चेंज करवा लो, 18 से भाई 20 इंच के डलवा लो, गाड़ी आपकी टाटा कर्व से उरुस बन जाएगी। सेम है, बहुत बढ़िया चॉइस है। अगर आप हिमाचल से हो तो इस गाड़ी को रहने दो, आपके लिए अल्टो ही बेटर है। आपके लिए क्या, मैं तो हिमाचल से हूँ, मेरे लिए अल्टो बेटर है यार। ये गाड़ी हमारी अफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन नहीं, अल्टो इज द बेस्ट। चलो फिलहाल के लिए इतना था यार वीडियो में, कैसी लगी वीडियो या फिर गाड़ी, वीडियो नहीं गाड़ी कैसी लगी वो बताना मेरे को जरूर से। और कोई है इसमें एडवांस लेवल का फीचर जो कि आपको अच्छा लगता हो, जो कि मेन हाईलाइट है इस गाड़ी की, तो वो भी बताना मेरे को। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।